नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और आज स्पेशल रिपोर्ट में सीधे बात करेंगे रूस ने यूक्रेन पर किस तरह से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। जी हां, इस बीच वॉशिंगटन डीसी से जेलेंसकी के बीच के लिए बैड न्यूज है। जेलेंसकी ने जिसके दम पर रूस से जंग शुरू की थी उसी अमेरिका ने अब यूक्रेन को जोर का झटका दिया है। स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि जेलेंसकी के गैंग में 32 दगाबाज आखिर है कौन। देख रहे हो, अट्ठाईस महीने से ये युद्ध चल रहा है। करीब लाख भर लाशें इस युद्ध में बिछ गई हैं। एक मुल्क इस युद्ध में आधा बर्बाद हो चुका है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध क्यों हुआ? यूक्रेन की बर्बादी की वजह क्या है? पुतिन ने क्यों यूक्रेन को खंडहर बना दिया? 2 साल से जारी बारूदी टकराव एक जिद से शुरू हुआ। वो जिद थी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की। जेलेंस्की यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाना चाहते थे, उस नाटो का जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन है, जिसमें 32 देशों की सेनाएं हैं, जिस नाटो में सुपर पावर अमेरिका शामिल है, उसी संगठन में शामिल होकर यूक्रेन को जेलेंस्की अजेय बनाना चाहते थे। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन को यह मंजूर नहीं था। नतीजे में शुरू हुआ यूक्रेन और रूस का यह युद्ध। तारीख 24 फरवरी 2022। 28 महीने से जारे इस जंग में आज की तारीख में जो हो रहा है वो भी दिल दहला देने वाला है। पुतिन आर्मी के प्रचंड प्रहार से यूक्रेन का चप्पा चप्पा थर्रा रहा है। 20 फाइटर ड्रोन से बारूद बरसाकर रूसी फोर्स ने ओडेशा को खंडहर बना दिया है। रूस ने 5 मिसाइल धमाके कर ओडेशा में जेलेंस्की को जोरदार झटका दिया है। मिकोलाइव फ्रंट को भी रूस ने धुआं धुआं कर रखा है। रूस के भीषण हमले से यूक्रेन बैकफुट पर है। रूस की सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है। इधर यूक्रेन को युद्ध में सबसे बड़ा धोखा मिला है, धोखा भी ऐसा जिससे जेलेंस्की की जमीन खिसक गई है, क्योंकि यूक्रेन का नेटो मेंबर बनना फिलहाल नामुमकिन है। अमेरिका ने साफ साफ जेलेंस्की को बता दिया है कि नेटो मेंबर बनने के लिए यूक्रेन को अभी लंबा इंतजार करना होगा। यह इंतजार तब तक खिंच सकता है जब तक रूस यूक्रेन युद्ध का अंत नहीं होता। यानी जेलेंस्की कहीं के नहीं रह गए हैं, क्योंकि जेलेंस्की ने पुतिन से पंगा ही नेटो सदस्यता हासिल करने के लिए लिया। लेकिन यह मेंबरशिप जेलेंस्की के लिए महज एक ख्वाब है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका ही ऐसा नहीं होने दे रहा। बाइडेन के धोखे से दहल गए जेलेंस्की। नाटो सदस्यता पर जेलेंस्की को सुपर पावर का बिग नो। नाटो युद्ध भड़काएगा, पुतिन से नहीं टकराएगा। रूस से जंग जीतने की शर्त जेलेंस्की का अब क्या होगा? अमेरिका से दोस्ती और दुश्मनी दोनों में जोखिम है, सुपर पावर किसी का नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की आज की तारीख में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस अमेरिका पर भरोसा करके उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से युद्ध मोल ले लिया, उसी ने जेलेंस्की के अरमानों को चकनाचूर कर दिया है। We just added two incredibly capable allies, growing our alliance to 32 nations. And Dmitro, our door remains resolutely open, and we look forward to that day as well. मतलब कोई चेंज नहीं, मतलब यूक्रेन अभी नाटो का सदस्य नहीं है, ना ही हाल फिलहाल यूक्रेन के नाटो सदस्य बनने की कोई गुंजाइश है। इसकी तस्दीक नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने भी कर दी है। तो फिर ऐसी तबाही को जेलेंस्की ने दावत क्यों दी? 29 महीने से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में जान माल के नुकसान के आंकड़े कलेजा कपाने वाले हैं।
यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक फरवरी 2024 तक युद्ध में यूक्रेन के 10,582 नागरिक मारे जा चुके हैं। 19,875 लोग युद्ध के बाद से लापता हैं। युद्ध में फरवरी 2024 तक यूक्रेन की सभी फोर्सेस के 46,450 जवानों की मौत हो चुकी थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि युद्ध में फरवरी 2024 तक रूस के 57,722 जवानों की मौत हुई है। ये आंकड़े रूस यूक्रेन युद्ध त्रासदी का सिर्फ एक पहलू भर है, क्योंकि अंतहीन युद्ध में जान माल के नुकसान की सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है, क्योंकि रूस के अटैक से आधा यूक्रेन बारूदी बियाबान में तब्दील हो चुका है। रूस के आक्रमण की धार हर गुजरते दिन तेज होती जा रही है। युद्ध में फंसे यूक्रेन के पास सिर्फ नाटो में शामिल होकर बचे रहने की उम्मीद थी, जो फिलहाल तो पूरी होती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो देशों की संख्या नहीं बढ़ाने जा रहा। अमेरिका के इस कूटनीति और युद्ध नीति ने ज़ेलेंस्की को सदमा दे दिया है, क्योंकि ये बातें नाटो के शिखर सम्मेलन में कही गई हैं। वाशिंगटन डीसी में 32 देशों के टॉप लीडर्स ने मंथन के बाद ये तय किया कि फिलहाल यूक्रेन को सदस्य बनाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन इस फैसले के बाद किसी भी हद को पार कर सकते हैं। इसलिए नाटो फोर्स ज़ेलेंस्की को युद्ध में हथियार सप्लाई करने और सैन्य मदद तक ही खुद को सीमित रखने के प्लान पर आगे चल रही है। वाशिंगटन डीसी में नाटो शिखर सम्मेलन में नाटो देशों के नेताओं ने यूक्रेन को अपना समर्थन जारी रखने की बात भी दोहराई है, जिसके साथ ही अमेरिका ने यूक्रेन को अपने सबसे घातक जंगी जहाज F-16 की नई खेप पहुंचाने जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने F-16 लड़ाकू विमानों के पहले बैच को यूक्रेन भेजने का ऐलान किया है। F-16 को डेनमार्क और नीदरलैंड से यूक्रेन भेजा गया है। अमेरिका में बना F-16 दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर जेट में गिना जाता है। F-16 लड़ाई में कई भूमिका निभाता है। ये हवा से हवा और हवा से सतह पर हमले में काफी सफल रहा है। ऐसे में यूक्रेन इस जेट की मदद से युद्ध में रूस को कड़ी चुनौती दे सकता है। नाटो देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए 5 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के साथ एयर बैटल के हथियार की सप्लाई भी शुरू कर दी है। यूक्रेन की एयरफोर्स में चौथी पीढ़ी के F-16 जेट के स्क्वाड्रन में शामिल होने के बाद रूस को बराबर की टक्कर मिलने का दावा भी यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इन जेट्स को हासिल कर युद्ध में इस्तेमाल करना आसान नहीं। फिलहाल यूक्रेन के पास F-16 उड़ाने वाले फाइटर पायलट की कमी है। हाईटेक आसमानी लड़ाकों को जंग में उतारने से पहले ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट की भी यूक्रेन को दरकार है। हालांकि जंगी जेट मिलने के साथ प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। Вашингтоні буде, зокрема, вже дуже скоро рішення по F-16, збільшуємо кількість літаків, доступних Україні. Вчора для України ми отримали рішення про ще 5 Патріотів, десятки інших систем ППО. Сьогодні рішення по літаках. यूक्रेन के हौसले में इजाफा तब से भी हुआ है जब से नेटो फोर्सेस ने रूस की चौहद्दी पर मिसाइल बेस बना दिया है। पोलैंड में अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल का बेस बनाया है। पोलैंड के रेड ज़िकोओ इलाके में बने बेस का नाम एजिस अशोर है। ये साइट नेटो की मिसाइल रक्षा प्रणाली का अहम हिस्सा है और इसका काम बैलिस्टिक मिसाइलों को पकड़ना, ट्रैक करना और उन्हें आसमान में ही तबाह करना है। नेटो का ये मिसाइल सिस्टम मिसाइल हमलों का पता लगाकर रेडार डेटा की मदद से उन्हें बर्बाद कर देगा। पोलैंड में बनाया गया मिसाइल बेस छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। पोलैंड में बने मिसाइल बेस के साथ यूरोप में नेटो के 2 बेस हो गए हैं। इससे पहले रोमानिया में एजिस अशोर साइट बनाई गई थी। एक तरफ नाटो रूस की घेराबंदी में जुटा है, यूक्रेन को युद्ध के हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है, लेकिन जब बात यूक्रेन को नाटो सदस्य बनाने की आती है तब इसके लिए ना तो अमेरिका तैयार हो रहा है ना ही नाटो के 32 देश। आखिर पेच कहां फंसा है? तो जानिए कि नाटो सदस्य बनते ही यूक्रेन के साथ 32 देश का रूस से युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि नाटो संगठन में शामिल किसी भी देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाता है। नाटो फोर्सेज एक साथ मिलकर दुश्मन से युद्ध लड़ते हैं। यूक्रेन अगर नाटो सदस्य बना तो रूस के खिलाफ नाटो को सेना उतारनी पड़ेगी, जिसके बाद युद्ध का विस्तार यूरोप से अमेरिका तक होगा। विध्वंसक हथियारों के इस्तेमाल की कोई लिमिट नहीं होगी। एटम बमों की टक्कर भी महायुद्ध में होने की आशंका है। रूस के परमाणु हथियारों की कार्ड किसी के पास नहीं, इसलिए नाटो सदस्य और अमेरिका पुतिन से सीधी टक्कर से बचने के प्लान पर चल रहे हैं।
अब स्पेशल रिपोर्ट में हम समझ लेते हैं हमास को, क्योंकि लगता तो इसी तरह है कि हमास को कमजोर समझना इसराइल की सबसे बड़ी भूल साबित होने जा रही है। क्यों? क्योंकि अब जो खबरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। इसराइल की खुफिया एजेंसियों ने यह दावा कर दिया है कि दक्षिणी गाजा में हमास ने बहुत बड़े हमले की पूरी तैयारी कर ली है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। गाजा सिटी बना कब्रिस्तान, 500 पाउंड के गिरे बम। ना तो इजराइल सीज फायर को रोकने को तैयार है और ना ही हमास जंग रोकने को राजी है। ऐसे हालात में 9 महीने से चल रही जंग अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां या तो इजराइल गाजा पट्टी से हमास का पूरी तरह से सफाया कर दे या फिर हमास के लड़ाके और टॉप कमांडर इजराइल को मजबूर कर दें कि वो हमास की शर्तों पर सीज फायर करने को मजबूर हो जाएं। जानकारों के मुताबिक अभी तक कोई संकेत नहीं है जिससे लगे गाजा में खूनी जंग रुकेगी। हालात तो ये हो चुके हैं कि उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी गाजा में मौजूद लगभग 20 लाख फिलिस्तीनी इस जंग में बुरी तरह से मारे जा रहे हैं। जरा ये वीडियो देखिए, रात के अंधेरे में इजरायली सेना मिसाइल, बम और फाइटर जेट से दक्षिणी गाजा में जबरदस्त बमबारी कर रही है। गाजा शहर को रात भर टारगेट किया गया है। पिछले 96 घंटों से लगातार इजरायली सेना हमले कर रही है जिसका नतीजा है गाजा शहर से भागते हजारों फिलिस्तीनी। जरा देखिए, कब्रिस्तान बन चुका गाजा शहर के लोग कैसे जान बचाकर भाग रहे हैं। बम, धूल के गुबार और उनके बीच से भागते हजारों फिलिस्तीनी अब उन इलाकों की तरफ भागने को मजबूर हैं जहां इजरायली सेना इन्हें भेजना चाहती है। हजारों फिलिस्तीनी हमास और इजरायली सेना के बीच फंस गए हैं। हमास ने फिलिस्तीनियों की बस्ती के बीच अपने अड्डे बना लिए हैं जहां से वो इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल के पलटवार के दौरान निर्दोष फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं। इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों को तुरंत गाजा शहर खाली करने का आदेश दिया है जिसकी वजह से भगदड़ मची हुई है। अब आप ये भी जान लीजिए कि गाजा शहर पूरी तरह से इजरायली सेना क्यों खाली करा रही है। जरा इस एनिमेशन को देखिए और समझिए। इजरायली सेना ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। गाजा सिटी में फिलिस्तीनियों पर इतने ज्यादा हमले हो चुके हैं कि जैसे इजरायली सेना ने कहा कि गाजा सिटी खाली करो वरना मारे जाओगे, उसके बाद से हजारों फिलिस्तीनी गाजा सिटी से भाग रहे हैं। इधर गाजा सिटी के जो इलाके खाली होते जा रहे हैं वहां पर इजरायली वायुसेना 500 पाउंड के बमों से हमास के अड्डों पर हमले कर रही है। हैरानी की बात तो ये है कि 500 पाउंड के ये घातक बम अमेरिका इजराइल तक पहुंचा रहा है। इजराइल में इस नए वॉर प्लान से हमास को गाजा सिटी में भारी नुकसान हो रहा है और यही इजराइल इस वक्त चाहता है। अब हमास फिलिस्तीनियों को गाजा शहर में मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसके चक्कर में फिलिस्तीनी बुरी तरह से मारे और भगाए जा रहे हैं। हमास ने उड़ाए स्नाइपर और बुलडोजर। गाजा सिटी से ऐसी कई दर्दनाक और हैरान करने वाली खबरें आ रही हैं जो साफ दिखाती हैं कि इजरायली सेना ने हमास को मारने के लिए कितनी बुरी तरह से सैन्य अभियान दक्षिणी गाजा में चला रही है, क्योंकि दक्षिणी गाजा से ही हमास के सबसे भीषण हमले अब भी इजरायली सेना पर कर रहा है। हमास के हमले का ये नया वीडियो देखिए। हमास ने 10 जुलाई को इस वीडियो को जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि गाजा में तेल अल हवा इलाके में इजरायली बुलडोजरों और सैनिकों को हमास ने तबाह कर दिया है।
इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमास के लड़ाके इसराइल के उस बुलडोजर को धमाके से उड़ा रहे हैं जो बारूदी सुरंगों को दबा कर रहा था। हमास के लड़ाके सीधे सीधे पीएम नेतन्याहू को चेतावनी दे रहे हैं कि गाजा में इजरायली सैनिकों का कब्रिस्तान बन जाएगा और हमास हर हाल में गाजा जंग जीत लेगा। वीडियो में जोरदार धमाके के साथ ही बुलडोजर एक जगह रुक जाता है। जरा देखिए हमास का लड़ाका क्या बोल रहा है। इस वीडियो में आगे हमास के कई लड़ाके गाजा में इजरायली सेना पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करते दिख रहे हैं। यहाँ पर हमास के लड़ाके एक अपार्टमेंट से दूसरी इमारत में छिपे इजरायली स्नाइपर पर सीधा निशाना लगा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इजरायली स्नाइपर को मार डाला है। गाजा युद्ध बेहद विनाशक हो चुका है। हमास हार मानने को तैयार नहीं है और इजरायली सेना हमास का सफाया करने पर तुली है। इधर इसराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर के बाद से अब तक 60% से ज्यादा हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं। यो गैलेंट का यह भी दावा है कि हमास की ज्यादातर बटालियन का सफाया हो चुका है। अब तक गाजा पट्टी में 38,243 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं जबकि घायलों की संख्या 88,000 से ज्यादा हो चुकी है। दक्षिणी गाजा के रफा शहर खान यूनुस और पूर्वी गाजा के शुजाया में इसराइली सेना जमकर हमले कर रही है। इसराइली सेना ने खान यूनुस के पूर्व में अबासन और खुजा सहित कई शहरों में तोपखाने से हमले किए हैं। פירקנו את 24 הגדודים או את רובם המכריע, השבנו מחצית מהחטופים ואנחנו נחושים להשיב את השאר. ואנחנו כולנו, מערכת הביטחון ואני בראשה, נחושים להשיג את מטרות המלחמה ולהשלים אותם. इधर हमास के समर्थन में हिजबुल्ला चीफ ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला के लड़ाके अब तक 600 से ज्यादा रॉकेटों से हमले कर चुके हैं जिसने इसराइल के कई इलाकों में भयानक तबाही मचाई है। इधर हिजबुल्ला चीफ ने यह भी ऐलान कर दिया है कि हम गाजा में पूरी तरह से हमास का समर्थन करते हैं और हमास के हर हमलों को हिजबुल्ला का समर्थन है। لأنه لو حقق الإسرائيلي انتصارا واضحا سريعا حاسما في غزة مين بعد بده يهديه بالتعبير العامي سوف يأتي إلى لبنان وإلى غير لبنان وسيفرض شروطه على كل دول وشعوب المنطقة. इधर प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगभग हर दिन जंग के कमांड सेंटर में कमांडरों से यही पहला सवाल करते हैं कि हमास की आखिरी बटालियन कब खत्म होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक इजरायल के टॉप कमांडरों ने गाजा और लेबनान पर जितने भी बड़े जंगी दावे किए हों वो सबके सब हवा हवाई निकले हैं। हकीकत में इजरायली सेना के पास घातक हथियारों की भारी कमी है और यही वजह है कि इजरायल को लगने लगा है कि मध्य पूर्व के देशों के साथ साथ ईरान, सीरिया और यमन इजरायल पर हमला कर सकते हैं। इसी को देखते हुए इसराइल के विदेश मंत्री इसराइल कैट्स ने अब कयामत युद्ध की धमकी दी है। इसराइल कैट्स ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि ईरान को उसके विध्वंसक संदेश ने उसे विनाश के योग्य बना दिया है। जो शासन विनाश की धमकी देता हो उसे बर्बाद कर दिया जाना चाहिए। इसराइल कैट्स ने यह भी लिखा है कि अगर ईरान समर्थित हिजबुल्ला लेबनान से इसराइल पर अपनी गोलीबारी बंद नहीं करता और बॉर्डर से दूर नहीं जाता है तो इसराइल उसके खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करेगा। फिलहाल
फिलहाल गाजा में जो हालात बने हैं वो बेहद विनाशक हैं। अब देखना होगा कि इजराइल गाजा पट्टी से हमास का सफाया कर पाता है या फिर नहीं।